कल रात से ही श्रद्धालुओं का आना लगातार जारी है, क्योंकि दिल्ली अमृतसर रेलवे ट्रैक है रेल द्वारा और जो दीन नरवाना रेलवे ट्रैक है जहाँ से स्पेशल 8 ट्रेनें चलाई गई है, जिन ट्रेनों का ठहराव किया गया है उन ट्रेनों के जरिए भी और यहाँ पर ब्रह्म सरोवर के आसपास, क्योंकि सुबह से ही लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं और जब समय समाप्त शुरू होगा, जब स्पर्श का समय शुरू होगा और मौत की डुबकी लगाई जाएगी तो लाखों लोग एक साथ यहाँ पर डुबकी लगाएंगे। और इस दौरान सबसे बड़ी बात होगी कि धर्म नगरी के साथ साथ देश भर के मंदिरों के कपाट बंद रहेंगे और तुला राशि का दान का बड़ा महत्वपूर्ण रहता है। कहा जाता है कि आज के दिन जहाँ जहाँ पर मंदिर या बड़े तालाब होंगे वहाँ पर लोग सूर्य ग्रहण के दिन स्नान पूजा अर्चना करते हैं और इस दिन खासतौर पर ब्रह्म सरोवर में सूर्य ग्रहण में स्नान करने का बड़ा महत्व है कि जिसके शरीर पर कोई शारीरिक कष्ट होता है तो ब्रह्म सरोवर के दिन ब्रह्म सरोवर पर सूर्य ग्रहण के दिन स्नान पूजा अर्चना करता है और तुला राशि का दान करता है तो कई अश्वमेध यज्ञ के बराबर यहाँ पर उसको फल भी मिलता है और लाखों लोग आज साक्षी और गवाह बनने जा रहे हैं। जब ब्रह्म सरोवर पर सूर्य ग्रहण का समय समाप्त तो शुरू होगा और जब मोक्ष की डुबकी लगेगी तो लोग पूजा अर्चना करेंगे, पिंडदान करेंगे। अच्छा अशोक, क्योंकि दिवाली के बाद ये कहा जा रहा है कि कई दशकों के बाद ये देखने को मिला है कि सूर्य ग्रहण का ये संयोग बना है, तो इस पर क्या कुछ लोगों का कहना, क्योंकि जो विश्वकर्मा पूजा थी वो नहीं हो सकती, गोवर्धन पूजा है उसको भी आगे के लिए बढ़ा दिया गया सूर्य ग्रहण के कारण। जी यही 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 कारण है कि ब्रह्मा की उत्तर वेदी का स्थान भी कहा जाता है, जो भगवान ब्रह्मा है उनकी उत्तर वेदी का स्थान भी ब्रह्म सरोवर, इसी नाम से उत्पत्ति हुई है ब्रह्म सरोवर, ब्रह्मा की उत्तर वेदी का जो स्थान है ब्रह्म सरोवर उससे हुई है। और अध्यात्म की दृष्टि से देखा जाए तो बड़ा महत्वपूर्ण सूर्य ग्रहण है क्योंकि साल का अंतिम सूर्य ग्रहण है, उसके बाद 2027 यानी कि लगभग 5 साल बाद फिर सूर्य ग्रहण लगेगा और लंबा समय रहेगा, तो कहीं ना कहीं ज्योतिष है वो बड़ा कह रहे हैं कि ज्योतिष की दृष्टि से देखा जाए तो बड़ा महत्वपूर्ण सूर्य ग्रहण रहेगा। इस दौरान कहा जाता है कि जो मंदिर है देश भर के मंदिर है, बात की जाए तिरुपति बालाजी मंदिर, वेंकटेश्वर महादेव मंदिर, तो ही मंदिरों के कपाट बंद हो जाते हैं क्योंकि ग्रहण अपने आप में ग्रहण बड़ा खतरनाक होता है, ग्रहण को लोग सुनना ही नहीं पसंद करते। तो यही कारण है कि जो ज्योतिष की दृष्टि से देखा जाए तो ज्योतिष की दृष्टि से भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है। इस दौरान लोग तमाम मंदिरों के बाहर जमघट लगा लेते हैं या भगवान की अर्चना करते हैं, पूजा अर्चना का दौर शुरू होता है और जब ग्रहण समाप्त होता है यानी कि कहा जाता है जिस समय मोक्ष की डुबकी लगाई जाती है उसके 1 से 1.5 घंटे बाद तमाम फिर दोबारा से मंदिरों की यानी कि साफ सफाई होगी, साज सज्जा का काम होगा, फिर मंदिरों के कपाट शुरू होंगे और उसके बाद लोग श्रद्धालु मंदिरों में जाएंगे, पूजा अर्चना करेंगे। जी बिल्कुल, देखिए अशोक ये भी देखा जा रहा है कि दूर दराज से लोग पहुंच रहे हैं, अलग अलग राज्यों से लोग पहुंच रहे हैं, तो इस मौके पर उनका क्या कहना है, क्योंकि अभी तो सूर्य ग्रहण के लिए काफी समय है, 4:25 के बाद वो शुरू होगा, तब तक की क्या प्रक्रिया रहेगी, लोग किस तरह से इंतजार कर रहे हैं? क्योंकि ब्रह्म सरोवर एशिया का सबसे बड़ा ब्रह्म सरोवर माना जाता है, लगभग 3 से 3.5 किलोमीटर की परिधि में ये ब्रह्म सरोवर फैला हुआ, ब्रह्म सरोवर के चारों तरफ सदरियां बनी हुई हैं जहां पर लोग कल रात से इसलिए पहुंचना शुरू हो रहे हैं कि वो अभी अपना स्थान ले रहे हैं कि ताकि जब स्पर्श का समय शुरू होगा और मोक्ष की डुबकी लगेगी तो अभी से वो लोग वहां पर पहुंच गए हैं, अपने बड़े बुजुर्ग को अपने परिवार के साथ पहुंच रहे हैं, लगातार पहुंचना जारी है और जैसे ही समय शुरू होगा 4:25 का तो लोग डुबकी लगाएंगे और चाहे डुबकी लगाने के तुरंत बाद जब पूजा अर्चना का दौर शुरू होगा, पूजा अर्चना के बाद अपने अपने इष्ट देव को मनाने का दौर शुरू होगा, फिर उसके बाद जो दूर दराज से आए हुए श्रद्धालु हैं वो अपने अपने घर की ओर रवाना होंगे, जाहिर है कोई ट्रेन के माध्यम से आ रहा है तो कोई अपने वाहन के माध्यम से आ रहा है, 20 सेक्टर में मेला को डिवाइड किया गया है और ब्रह्म सरोवर के आसपास यानी कि सबसे बड़ी बात की गई है ब्रह्म सरोवर को कि उसके आसपास ही लोगों को रुकने के स्थान बनाए गए हैं, फ्री में धर्मशालाएं हैं वहां पर रुक रहे हैं, उनको खाने पीने रुकने की तमाम व्यवस्था की गई है और ज्यादा दूर ना चलना पड़े बिल्कुल ब्रह्म सरोवर के आसपास अस्थायी बस स्टैंड बनाए गए हैं, टेलीफोन बूथ लगाए गए हैं, रेलवे नेटवर्क को देखते हुए तमाम ट्रेनों का ठहराव किया गया है। बिल्कुल अशोक, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, लेकिन उसी के साथ बात अगर धर्मनगरी कुरुक्षेत्र की करें तो पूरी व्यवस्थाएं पहले से कर दी गई हैं, हालांकि डीजीपी ने भी जिस तरह से कहा था कि एक एक चीज़ पर हमारी नज़र रहेगी, सीसीटीवी के माध्यम से नज़र रखी जाएगी। अब सूर्य को लगने वाला ग्रहण उसको लेकर समय 2:29 होगा दोपहर, जब इसकी शुरुआत होगी यानी कि 2:29 पर शुरू होगा सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण करीब 4 घंटे 3 मिनट तक चलेगा, तो सूर्य ग्रहण करीब 4 घंटे 3 मिनट तक चलेगा, ये भी आपको बता दें। और इसी के साथ भारत में ग्रहण का स्पर्श 4:25 पर होगा, तो देखिए आपको बता दें सूर्य ग्रहण हालांकि इसके खत्म होने का सभी को इंतजार है, 4:30 का समय जब अपने चरम पर ये ग्रहण होगा उसकी भी आपको जानकारी दे रखे हैं, 4:30 का समय, उसके बाद सूर्य का 55% हिस्सा चंद्रमा से ढकेगा सूर्य ग्रहण। हालांकि लोग जिस तरह से अशोक ने भी कहा कि सुनना भी पसंद नहीं करते, इसलिए उसके खत्म होने का भी इंतजार होगा, यानी कि 6:32 पर सूर्य ग्रहण खत्म होगा। तो दिवाली के बाद ग्रहण का ये दुर्लभ
संयोग बना है, जिसके बाद अगर बात कुरुक्षेत्र की भी की जाए तो वहां भी सूर्य ग्रहण मेले को लेकर शाम से ही श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है।